और ये सारा 5 अगस्त को जो बीजेपी सरकार ने किया, ये वोट उसके खिलाफ है, ये रुझान उसके खिलाफ है। और हमें पूरी उम्मीद है आज बीजेपी सरकार ये समझेगी कि जो फैसले उन्होंने लिए लोगों को कतई मंजूर नहीं थे, और उसके खिलाफ एक एक वोट जो नौजवान ने यहाँ आज नए जवानों ने डाला है, नए वोटर्स ने डाला है, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने डाला है, ये सारा वोट उसके खिलाफ है जो पिछले 10 साल में हुआ, जिसकी शुरुआत PDP ने की, यहाँ का मैंडेट बीजेपी को बेचा, हर एक वोटर ने उसके खिलाफ वोट डाला है। वही वजह है कि PDP शायद बहुत अपनी, जो उनको पता था कि शायद वो 5-8 से लेंगे, उसे भी ये जा रहे हैं। सलमान साहब, टू बी वेरी ऑन, अपनी जगह सेटिस्फाइड था कि इस अलायंस को वोट पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे। हमें पता है यहाँ के हर एक बाशिंदे के दिल में 370 धड़कता है, स्पेशल स्टेटस धड़कता है, वो यहाँ के जवानों की बात थी, रिजर्वेशन की बात थी, हर एक एजेंडा जो हमारा था वो PDP मैच नहीं कर पाती। BJP मोदी जी यहाँ आके बोलते हैं 300 सर वापस नहीं आएगा, और एक्सपेक्ट करते हैं उनको लोग वोट डालेंगे। तो ये वोट पिछले 10 साल में जो जो कश्मीरियों के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ वोट है, और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मेजॉरिटी से सरकार क्या स्टैंड लेंगे, आप क्या ओथ लेंगे, आप हमेशा उसकी बात करेंगे, और होना चाहिए। ये मोदी जी को इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ का वोट जो पड़ा है उसके खिलाफ पड़ा है, जो ने फैसले लिए, और स्टेट अर्ली रेस्टोरेशन स्टेट होना चाहिए। और उसके मजीद लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, यहाँ लोगों को बिजली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, 10 साल में डेवलपमेंट डेफिसिट है, फेक फसाद जो क्रिएट किया गया स्मार्ट सिटी का वो सारा खत्म होना चाहिए, रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए ग्राउंड पे। और लोग सबसे बड़ी बात, बड़ी उम्मीद रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमें इसका पूरा एहसास है, और पूरी उम्मीद रखते हैं हम इंशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आने वाली सरकार।